जय श्री राधा माधव। परम श्रद्धेय सेठ जय दयाल गोयनका जी के प्रवचनों से प्रेम और शरण। अपने स्वार्थ के लिए किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए। स्वार्थ ही पाप की जड़ है। अपने धर्म की तरफ देखना ही मनुष्य का कर्तव्य है। रुपए पैसे की तो बात ही कौन सी है, चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, परंतु एक प्रभु का भरोसा करके और सबका आश्रय छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जो मर्जी होती है वही होता है, फिर चिंता क्या है। उसकी प्राप्ति की लगन में चाहे सब कुछ चला जाए। नारायण होवे भले जो कछु हो वनहार, हरि सो प्रीति लगाए के फिर कहाँ सोच विचार। अरे लगन लगी सब ही कहें, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। प्रभु की राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए। जो कुछ होता है सो प्रभु की नजर में होता है। जब उसकी नजर से परे कुछ भी नहीं रहता, तब फिर चिंता करके उसकी शरण में दोषी क्यों सिद्ध होना चाहिए। वह सभी जगह स्वयं सगुण या गुणातीत रूप से मौजूद है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ हो सो देखता रहें, प्रभु जो कुछ करें उसे ही आनंद से स्वीकार करना चाहिए। उसके विधान पर मन मैला करने से वह कैसे संतुष्ट हो। केवल उसके नाम का जप करते रहना चाहिए, फिर ध्यान आप ही हो जाता है। थोड़े से शब्दों में प्रेम और शरण का भाव लिखा गया है। जब चित्त उदास हो तभी इसे पढ़ें। श्री श्री राधा माधव सरकार की जय।